दोस्तों सामने जो ये आम सूख गया है और अब ये झड़ जाएगा, इसका कारण आगे बताता हूँ आप लोगों को क्यों ऐसा होता है। इधर भी यहाँ पर देखें, ये भी सूख गए हैं तो ये भी झड़ जाएंगे। यहाँ पर भी ये सूखा हुआ है। ये अल्फोंसो वैरायटी है, इसके ऊपर ज़्यादा समस्या है। ऐसे ही इधर भी यहाँ पर ये सूखा हुआ है, दो ये हेल्दी हैं, तो अल्फोंसो में ये प्रॉब्लम है मेरे इलाके में, तो इसका कारण अभी डिस्कस करते हैं। आम्रपाली बहुत ही हेल्दी है, इस टाइम बढ़िया है, शाइन भी अच्छी है, इसके ऊपर ग्लो जो है, यहाँ पर कोई भी सूखापन नहीं है, तो ये हेल्दी खड़े हैं पौधे और इनका फल भी आगे हेल्दी है। पूरे बाग में घूमने के बाद ये एक फल मिला है आम्रपाली वैरायटी का जो सूखा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल सी चीज़ है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैपनिंग नहीं हो रही फलों के ऊपर आम्रपाली के, तो इतना चल जाता है। दोस्तों मैं हूँ बिली सिंह, इस वीडियो में आज का टॉपिक है नेक्रोटिक लीजन्स आम के फलों के ऊपर क्यों होता है, और नेक्रोटिक लीजन्स होता क्या है, इसके कारण और इसका इलाज ढूंढते हैं। आम के जितने भी फलदार पौधे हैं, मई के बीच में इनके ऊपर थोड़ी बहुत बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं, तो ये एक सिम्टम्स होते हैं भी आपकी मिट्टी में कुछ डिफिशियंसी है या आपके पौधों में कोई बीमारी एक्सटर्नली आ रही, जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फंगल इन्फेक्शन हो, तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना होता है इन दिनों में। तो मैंने तो वैसे बाग अपना नेचुरल छोड़ा हुआ है, इस साल कोई स्प्रे कोई खाद कुछ नहीं लगा रहा मैं, लेकिन दिक्कतें आती हैं बागों में, कोई भी फलदार पौधे हैं खासकर आम के ऊपर। तो मेरे पीछे जो बड़ा सा पौधा है ये है अल्फोंसो का, तो अल्फोंसो के ऊपर ये काफ़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है। अब ये देखें, ये सूख चुका है, तो ये जो फल है आउटर एरिया इसका ब्राउनिश हो रखा है यहाँ से, और यहाँ से ये पीला हो चुका है, तो कुछ दिनों बाद ये सारा ब्राउन होके नीचे गिर जाएगा। जब इस स्टेज में होता है फल, तो इसके ऊपर ये अटैक होता है, ये बैक्टीरियल अटैक भी होता है और फंगल अटैक भी होता है। तीसरा एक और कारण है कि इसके ऊपर जब आप साल में एक बार बोरॉन की स्प्रे ना करें तो ये चीज़ जो है आएगी, तो बोरॉन डिफिशियंसी भी एक कारण है जो इस स्टेज में फल को ले आता है, तो इससे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है अगर भारी मात्रा में पौधों के ऊपर ये डिफिशियंसी नज़र आनी शुरू हो जाए, तो अब इसका इलाज भी ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले आपने पूरे बाग में घूमकर हर वृक्ष को हर पौधे को देखना है कि उसके ऊपर फल कैसा है, कहाँ कहाँ क्या कमियाँ हैं, और उन कमियों को ऑब्ज़र्व करें, और अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप YouTube Google सर्च करके थोड़ा बहुत हेल्प वहाँ से ले सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि जहाँ जहाँ आप ये फल देखें भी हर पौधे पे आपको देखो विज़िट करना पड़ेगा, तो उसको कटर से आप फटाफट काट के एक थैली में डालते जाएं ताकि ये इन्फेक्शन फैले नहीं, तो उससे पहला बचाव तो ये हो गया नेचुरल वे में। आपको बाग में हर दिन हर पौधा चेक करना पड़ेगा, तो उससे आपको आइडिया मिलता जाएगा भी ज़्यादा तो नहीं फैल रही ये बीमारी, तो अगर ज़्यादा फैलती है तो फिर आपने सेकंड स्टेप में इसके ऊपर स्प्रे करनी है। तो स्प्रे सबसे पहले तो अगर बोरॉन डिफिशियंसी है तो बोरॉन डिफिशियंसी के लिए तो आपको फ्लावरिंग से पहले ही फरवरी में बोरॉन पाउडर की स्प्रे करनी है इसके ऊपर। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में बोरॉन डिफिशियंसी के ऊपर भी वीडियो डाला हुआ है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं भी आपको कैसे स्प्रे वगैरह लगानी है आम के पौधों के ऊपर। तो दूसरा है फंगल अटैक, तो फंगस के लिए सबसे बेस्ट है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, तो उसका घोल आप 1 लीटर पानी में 2 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पाउडर लेना है और वो घोल कर इनके ऊपर स्प्रे लगानी है। आपके पास जो भी साइज़ का वाटर टैंक है जिसमें आप स्प्रे करते हैं, उसके हिसाब से रेशियो बनाकर आप घोल तैयार कर सकते हैं और पौधों के ऊपर छिड़काव कर दें। तो तीसरा, अगर आप मेरी तरह नेचुरल चलना मांगते हैं तो नेचुरल चलें, उसके लॉसेस होंगे काफ़ी, नेचुरल सी बात है, जहाँ नेचर होती है वहाँ
नेचर अपने हिसाब से चलाती है सब कुछ, वेदर, बारिश, गर्मी, धूप, सब उसका प्रभाव पड़ता है पौधों के ऊपर। तो नेचुरल वे में भी पता चल जाएगा भी क्या निचोड़ निकलता है इस साल। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट चल रही है मेरी तरफ से। अगर ये बीमारी 5 से 10% के बीच में है फिर तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, इतना चल जाता है, इतना तो होता भी है नुकसान। तो अगर उससे ऊपर है, काफ़ी नज़र आ रहा है आपको पूरे बाग में या आपके पौधों के ऊपर, तो फिर आपको स्प्रे करनी पड़ेगी। तो यही एक बचाव है। स्प्रेज वैसे काफ़ी महंगी पड़ती हैं। तो बोरॉन जो है, बोरॉन डिफिशेंसी तो हर साल होती है, आपने फरवरी में एक बार ज़रूर बोरॉन की स्प्रेज के ऊपर लगानी है आम के पौधों के ऊपर, फिर ये डिफिशेंसी जो है दूर हो जाती है। और जो क्रैक आते हैं फल के बीच में, इनका पत्ता जो है वो वाइट कलर का नज़र आना शुरू हो जाता है, वो बोरॉन डिफिशेंसी ही करता है। ऐसे आपने अपने आम के पौधों का ध्यान रखना है, और कोई भी बीमारी आपको नज़र आती है तो तुरंत उसका इलाज कर दें। ऑलराइट दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय।